आईपीएल के किसी एक सीजन में साल 2016 में बनाया विराट कोहली का 973 रनों का रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है जो आईपीएल सीजन 15 से पहले तक सिर्फ अजेय माना जाता था। और इसकी बड़ी वजह यह है कि आईपीएल इतिहास के 15 सीजन में विराट कोहली के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कभी 900 रनों का आंकड़ा छूना तो दूर, 800 रनों का आंकड़ा भी एक सीजन में कभी नहीं छुआ है। सिर्फ 27 रनों से 1000 रनों के आंकड़ों से दूर रहे विराट कोहली ने ये उपलब्धि भी साल 2016 में खेले गए आईपीएल सीजन 9 में हासिल की थी। इस सीजन विराट कोहली ने आरसीबी के लिए खेलते हुए 4-4 शतक भी बनाए थे। लेकिन माना जा रहा है कि आईपीएल के मौजूदा सीजन यानी आईपीएल सीजन 15 में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर अब कोहली के इस विराट रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। बटलर की सीजन 15 में जारी लाजवाब फॉर्म उनकी टीम के लिए सीजन में लगातार कमाल कर रही है। ऑरेंज कैप की रेस में लगातार नंबर वन बने हुए जॉस बटलर अब तक आईपीएल सीजन 15 में खेले 10 मैचों में 65.33 की औसत से 588 रन बना चुके हैं। इसमें बटलर के नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। अब अगर जॉस बटलर के इस प्रदर्शन की तुलना साल 2016 के विराट कोहली के शुरुआती प्रदर्शन से करें तो बटलर अपनी पहली 10 पारियों में ही कोहली से आगे निकल चुके हैं। आईपीएल 2022 की पहली 10 पारियों में जहां बटलर के नाम 588 रन हैं, वहीं विराट कोहली ने साल 2016 की खेली अपनी पहली 10 पारियों में 568 रन ही बनाए थे। यानी बटलर के पास कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का शानदार मौका है। वैसे आपको ये भी बता दें कि विराट कोहली की टीम आरसीबी साल 2016 में आईपीएल के फाइनल तक पहुंची थी और विराट ने सीजन के आखिरी 6 मुकाबलों में 2 शतक और 3 हाफ सेंचुरीज बनाई थी। दूसरी तरफ आईपीएल इतिहास में विराट के अलावा सिर्फ 3 बल्लेबाजों के नाम एक सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। इनमें आईपीएल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए केन विलियमसन ने 735 रन बनाए थे। वहीं आईपीएल 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए माइकल हसी ने 733 रन, जबकि आईपीएल 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए ही खेलते हुए क्रिस गेल ने भी 733 रन बनाए थे।